बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असद यूब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते स्टार्ट। सुबह से लाइट गई हुई है, इतनी गर्मी है ना, गर्मी के साथ हालत चेक करें, पसीना आया हुआ है। और आज थोड़ा सा फ्री भी हूँ, जाना है अभी बड़े गाँव तैयबू के जो नए मकान बन रहे हैं ना, उनके आज छत भी उन्होंने डाल ली। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले सर की मालिश करवा लेता हूँ, करवाने के बाद नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर चलता हूँ उधर। और उसके अलावा आज खेलने भी जाना है, हमारा कॉम्पिटिशन है। कपड़े मैंने जी चेंज कर लिए, यानी कि धोने वाले पहन लिए, अब करवाता हूँ मालिश। अम्मी जी कर दे मालिश सर की। क्या आज मैंने जी इन्हें सर की मालिश का कह दिया तो कोई भी नहीं मेरी बात मान रहा। अच्छा मैं करनी है? तो और नहीं आपकी बुढ़ी नो अम्मी हूँ वेला तेरे सामने छाबे बना रही। छाबे बना रही है ते पहन वाला तेरे दो पहना और तेरे तीन चार भरा को फिर लड़े। अम्मी बुढ़ेरी नु अम्मी कपड़े सीन लगी है। नहीं तुसी कपड़े ना सीओ, कपड़े तोड़ को नहीं सीते हो, मैं सीवांगी। नहीं तुसी सारे कर सकते, तुसी मालिश कर दो ना। नहीं मालिश ना सारे अब जा से ते कपड़े भी जात किसे नु नहीं, कपड़े मैं सी नहीं है ते इना फिर इते इना अपना सन सी के दिते कपड़े मैं सी। तुसी नहीं मालिश करनी है? नहीं करनी इन आ तेरे तीन चार। नहीं तुसी नहीं करनी। किन्ने पैण करा? नहीं करनी आखो, नहीं करनी। मैं नहीं तुझे आखो, नहीं करनी। मेरा हाथ थिन दिया जाने। तुझे आखो आज, फिर तुझे आज आज कल आर या पार आखो नहीं करनी। हाँ आखो नहीं करनी। मैं फिर मशीन के में। नहीं तुझे आखो नहीं करनी। नहीं मैं ये कर क्यों? नहीं आखो एक बारी। जब बाबे चलो एक बारी दे आखो। एक बारी दे आखो। मोड़ो हम बाबे। नहीं मोड़ दिया एक बारी दे आखो। क्यों मैं आखा? आखो नहीं करनी। ना तो मेरे मुंह च को नहीं ना। नहीं मैं कभी किसी ने की। तू भावे हाँ कर दे भावे ना कर, मैं हूं तेरे को पैसे तो लैने लैने। मैं सवेरे कितने काम जाना। अच्छा पैसे पैसे लैने? 5-7 हज़ार लैने। अच्छा सच्ची मजाक नहीं वो कर। मैं कितने चला? कितने चले? बस ये नहीं ना दसना। अच्छा तेन दस चढ़े तो इन्होंने भी पता लग जाएगा। अच्छा जी अभी मालिश करवा के हटा, मुझे नहाया नहीं अभी तो। ट्राली आ गई है जो छत डालने के लिए, सामान मंगाना था मुझे। बाकी चीज की आई है, बच्चे बता रहे हैं कि ट्राली आ गई, ट्राली आ गई। चलते हैं, चल के देखता हूँ। काम तो मैंने कोई भी नहीं करना, साहब कह रहे थे कि अगर मुझे कोई काम हुआ मैं किसी साइड को चला गया ना, चलो और कोई बात नहीं तो अपना कोई पास तो होगा ना, निगरानी में काम होगा। काफ़ी दिन हो गए साइकिल चलाई नहीं की थी, मैंने कहा चले साइकिल का टूर हो जाए। मैं पहुंच गया ट्राली के सामने, आ गए हैं टायर फंस गए, यानी ट्राली फंस गए। चेक करते हैं कि क्या मुआजरा है। यहाँ इस साइड से टायर ऊपर है, वजन काफ़ी है ऊपर, और इस साइड से ट्राली दाट गई है नीचे। अब मुझे लगता है कि कोई और ट्रैक्टर मंगवाना पड़ेगा, ऊपर माशाल्लाह वज़न भी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी कोशिश कर ली है जी इन्होंने, ट्राली जो है ना बहुत बुरे तरीके से फंस गई, नहीं निकल रही। अब भाई जान जो है ना कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता माल जो है ना ऐसे उतार के एक साइड से जिस साइड से बैठ के ट्राली लेके चलते हैं, अब वज़न कम होगा तो फिर निकाल लेंगे। माशाल्लाह जी काफ़ी सलापे ले आए, कुछ ये पड़ी हुई हैं, कुछ ये और भाई लेके भी आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता काम जा रही है इन्हों का, लेके जा रहे हैं अभी। माशाल्लाह काम काफ़ी पड़ा और बारिश शुरू हो गई, अब देखते हैं ऐसे उतारते हैं बारिश में या रेस्ट करते हैं। अच्छी बात तो है कि बारिश हल्की हल्की रहे तो ठीक है, उतार लें, मौसम ठंडा हो गया काफ़ी ज़्यादा। माशाल्लाह हवा ठंडी ठंडी चलनी शुरू हो गई है, काफ़ी मौसम ठंडा हो गया। अब जा रहे हैं घर दादी अम्मी के, वहाँ से लेके आते हैं चाय मजदूरों के लिए, और अगर बची तो हम भी पियेंगे, ना हुई तो इन्हें पिला के घर जाके हम दोबारा पी लेंगे। तो दूसरे की करन दे सीधी बारी कुछ भी नहीं, वो अपना दुर्मर शुरू में मारन दे। चाय जी बन गई हमारी, सिर्फ एक उबाला आने की देर है। आ जाओ आ जाओ चाय जी लेके जा रहे हैं, पिलाते हैं पहले, काम करके थक गए होंगे, ज़ाहिर सी बात है चाय पीने के बाद जिसमें थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है इनका काम वालों का। पानी ज्यादा पक रही है और तो पत्ती लेने थोड़ी सी खड़े फका मार लो तो पानी पी लिया धुप्पे हो गई बड़ा हो जाए यार धुप्पे खड़ो गया उगड़ा तो क्या बन गई काफी तो सब थोड़े नहीं है। माशाल्लाह निकल गए ट्राली हमारी,
माशाल्लाह जी काम शुरू कर दिया। दो गार्ड वो इस छोटे कमरे पे दो गार्ड उन्होंने चढ़ा दिए और दूसरे भाई बाहर से लेके आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब पहले सारे कमरों के ऊपर गार्डर चढ़ा देंगे, बाद में स्लैबें डालना शुरू कर देंगे। जाग करना केड़ा कोई खेडना आया चौथी आले नहीं आए पीरे आंदा आके गया भी भाई ये सारे ब्याह दे गए ककारा चल आ गया स्लो। दोस्त आए कह रहे हैं वो दूसरे काम से जिन्होंने आना ना खेलने के लिए वो आ चुके हैं। मैं कह भी रहा हूँ कि यार वीडियो पे शूट करनी है, मैंने स्लैब डालने वाली रह गई गार्डर उन्होंने चढ़ा लिया। कह रहे हैं कि नहीं चलो खेलने जाना है तो जाना है बस, तो चले जी वो अपना काम कर लेंगे, हम चलते हैं खेलने के लिए। माशाल्लाह मौसम काफ़ी ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल छाए हुए हैं। खूब इंजॉय यानी कि करते हैं दोस्तों के साथ मिलके। पास वाला गांव जो वहाँ से तो नहीं आए मुझे, मैंने देख लिया अपने गांव के लड़के खड़े हुए हैं सामने बस, और चलते हैं खेलते हैं। खेलने के बाद शाम को जाऊँगा वापस घर, तो फिर छत देख के आऊँगा उन्होंने डाल ली है यानी, कह रहे थे कि माल कम पड़ जाएगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि छत मुकम्मल हो जाएगी। बाहर खड़े हैं जी, टास इन्होंने कर लिया है, मुंडे जो टीम में दो टीमों में तकसीम कर लिए और मुझे आते ही अंदर खड़ा कर दिया यानी ग्राउंड के। बाकी बाहर ये मेहमान है दोस्त पास वाले गांव का, ये मेरे साथ वहीद, इसका नाम उमर, वो छोटा अब्बास, शाकिर मेरी टीम में जो है, वो शेरू उनकी टीम है। हमारा नंबर आ गया जी उनके एक साथी की एक छोटी सी मिस्टेक गलती और हमें चांस मिल गया खेलने का। अब एहतियात से खेलना सब। बस ऐसे ही है, कभी जी वो हाथ लगा रहे हैं, कभी हम लगाते हैं, कभी वो बारी जीत रहे हैं, कभी हम जीत रहे हैं, ऐसे चलता जा रहा है। और इनके काम से कहे जी उसे बाहर छोड़ने जा रहा है कि वहाँ पे उनसे खड़ा होना। बाड़ा खुल गया जो बकरियां का, काफी देर खेल के खूब इंजॉय किया जी। दोस्त एक दो आगे थे बड़े, उनकी वजह से खेलने का मजा सारा हो गया खराब, और अब जा रहे टाइम से वापस कर चले। अच्छा चलते हैं, चल के देखते हैं कि छत का काम कहाँ तक पहुँचा। वापसी से जाते वक्त रास्ते में नलका आया जी, तो सभी ने कहा कि खेल के थके हुए प्यास लगी है पानी पी ले। अच्छा जी चल बस घर मजे जाइए पी जाना सारा, बस करो यार किसी और नंबर हट जाओ सारा पी जाओगे, आहो आप फरी ना जाए किते। रास्ते में ही उतार के जी मुझे चले गए, मैं जा रहा हूँ आए वापस जा रहा हूँ। माशाल्लाह काम काफ़ी जो मुकम्मल हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रह गया, चल के देख लेता हूँ कि क्या काम क्यों रुका हुआ किस वजह से। माशाल्लाह जी एक साइड ये थोड़ा सा रह गया, इधर मुकम्मल हो गया चारों तरफ, ये खाना इस तरह और एक कोना वो वाला, थोड़ा सा रह गया बाकी माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका चारों तरफ। छत का काम जी फिर से शुरू है, भाई जान कह रहे हैं कि एक गार्डर जो कम हो गया वो किसी काल की हुई है भाइयों को, कि काल जो पे कहा कि गार्डर को चाहते काम उसी की वजह से हमारा रुका हुआ, तो कह रहे हैं तब तक वो वाला मुकम्मल कर लेते हैं, गार्डर आ जाएगा, गार्डर डालने के बाद ऊपर स्लैबें डालेंगे और चले जाएंगे। मैं जा रहा हूँ जी बाद में, भैया से पहले ही नीचे आ चुके हैं, वो पता नहीं किधर गए, वो ये खड़े हुए हैं, आ जाओ चलें, आ जाओ चलें घर। चलो यार इनका काम काफ़ी है अभी, मैं उनको अंधेरा हो जाना काफ़ी रात हो जाएगी, इधर खड़े होने का फायदा नहीं होने वाला। चलो चलो तुम किधर घूम फिर रहे थे? मैं यार अदील और अहमद के साथ शहर गया था, वो ना अदील का मोबाइल का ना जो टच है ना वो साइड से टूट गया ना,
तो वो उसने एक दूसरे मतलब दो दुकानों से पता किया ना रेट, उसे बहुत ज़्यादा लगा रहे थे, फिर उसने मुझे कहा तो मैंने फिर जायज करके लगवा दिया। चलो ऐसे करो तुम, चलो घर काम ही आधा था, अबू कह गए थे तो मैं बता दूँ कि मैं वापस कर जा रहा हूँ, आप आ जाइए। तुम मोबाइल मोबाइल आप ले जाओ, कोई बात नहीं, जाके चार्ज पे लगा देना कर। चलो ठीक है, ओके भाई। असद चले गए जी वापस और मैं जा रहा हूँ जी घर, क्योंकि मैं सुबह से अहमद और भाई दिल के साथ शहर गया था, मैंने सुबह से खाना ही नहीं खाया, और अब चलते हैं जी वापस घर, घर जाके खाते हैं जी खाना। और भाई असद आप ही भाई असद खुद आते रहेंगे, जब उनका दिल करेगा वो घर आ जाएंगे। घर जी मैं वापस पहुंच चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, दी रोटी दे दो, मैं सुबह दी रोटी नहीं खाधी। चलो ठीक है, रोटी दो, हुण भुख लगी हुई है। अच्छा मम्मी जी, छत पर मैं पहुंच चुका हूँ जी, और ये नवाब साहब अभी भी खेल रहे हैं। रात हो चुकी है। ये जी एक ट्रैक्टर ये है और एक ये, इसके तो टायर ही नहीं है। ये है जी ट्राली और ये है जी तीसरा ट्रैक्टर। अमीर रोटी मेरी उत्ते लैन दी। खाना ये पड़ा जी, बिस्मिल्लाह। आज के खाने में है जी मेरे पास तोरियां। क्यों तोरी? अब पहले खाता हूँ जी खाना और फिर करूँगा कोई और काम। शाहद ये लो मोबाइल ना चार्जर पे लगा दो, भाई ऐसे ने कहा था कि बैटरी इसकी ना लो है, चार्जर पे लगा देना। ये लो मोबाइल चार्जर पे लगा लो। अब जाके घर वापस है, मैंने कहा था मोबाइल चार्ज लगा दो, लगाया क्यों नहीं? चार्जर आपको उधर है। यो ये तो मुझे याद ही भूल गए। चलो ठीक है, अल्लाह फिर मैं जा रहा हूँ उस घर। ठीक है, वापस घर आ गए। और जी भाई जेब देखा जा रहा है। हाय भाई जेब, क्या हाल है? एक थप्पड़ लगाओ इस भाई जेब को, मारो। नहीं माना क्यों भाई? भाई ये नहीं भाई। तो ये था जी मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे दूल्हा भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।